अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक एडिटिंग का जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसी क्या एडिटिंग वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ है, वो कौन सी वेबसाइट है, ये सब हम जो है ना इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और वहाँ ब्राउज़र पे जाके आपने सर्च करना है विस्टा एंड विस्टा क्रिएट, ठीक है। आपने विस्टा क्रिएट सर्च कर लेना है, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी क्रियुलो www.crillo.com और / के आगे विस्टा क्रिएट, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपसे अकाउंट बनाने का पूछ रहा है, ये इनकी कोई चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप न्यू है तो आप साइन अप करें। मैंने अकाउंट बनाया हुआ तो मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये चीज़ जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैंने ये लास्ट टाइम पनीर पिक्स डिज़ाइन भी की थी यहाँ से, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। तो ऊपर अगर आएँ तो ये होम है और क्रिएट एन डिज़ाइन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी चीज़ आपने यहाँ से डिज़ाइन करनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ट्राई दिस, उन्होंने ट्राई दिस के लिए भी दी हुई कुछ चीज़ें भी दी हुई हैं, ठीक है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो होम के साथ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स को पे हमने जो है ना क्लिक किया और टेम्पलेट्स पे हमने क्लिक किया है तो ये इनकी टेम्पलेट्स आ गई हैं, ठीक है। आपने जो भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है तो क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक वीडियो कवर है तो फेसबुक की वीडियो कवर जो हमारे पास हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वीडियो फुल HD वो भी यहाँ दी गई हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट हंट थंबनेल जो है ना, प्रोडक्ट हंट थंबनेल जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे और अमेजिंग अमेजिंग जो हमारे पास है ना थंबनेल दी गई हैं, जैसे कि टिकटॉक वीडियोस हैं, टिकटॉक की वीडियोस भी यहाँ जो है ना अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अब सोशल मीडिया पोस्ट जो है, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो है ना फेसबुक पोस्ट, ये सारी फेसबुक पोस्ट यहाँ उसने दी गई हैं। आप इन पर क्लिक करें और जो आपको पसंद आए आप उनको एडिट वगैरह करके अपने वर्क में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पोस्ट भी उसी तरह की इनकी डिमेंशन वगैरह जो होंगी वो उसी पोस्ट के रिलेटेड होंगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी है और वो भी जो है क्या उसे कहते हैं उसी की डिमेंशन जो थी ना पोस्ट की डिमेंशन, देखिए कुछ और थी और जो स्टोरी की डायमेंशन है वो कुछ और है और इसी तरीके से वह इंस्टाग्राम में ही भी इसी तरीके से होती हैं। तो इन्होंने वही डायमेंशन यूज़ की है जो उनकी अपनी है, ठीक है। उसके बाद ये एक और है, ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और स्नैपचैट जियो फिल्टर है तो आप इनको भी ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्नैपचैट मूवमेंट फ़िल्टर है तो ये भी चीज़ें हैं, इनको आप एडिट करके देख सकते हैं, हम बाद में इसको एडिट करेंगे। ट्विटर जो पोस्ट हैं वो भी यहाँ दी गई हैं, उनको भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉगर, ब्लॉगर बैनर पे आते हैं, ब्लॉगर बैनर को क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लॉगर बैनर पर हमने क्लिक किया और ये जो हमारे पास है ना ब्लॉगर बैनर्स इस तरीके से आ गए, इनमें से जो चाहें इन पर क्लिक करके इनको एडिट वगैरह कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर पोस्ट है, ब्लॉगर पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ब्लॉगर हेडर है, ब्लॉगर हेडर को भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद कवर एंड हेडर है, फेसबुक कवर है, ठीक है, फेसबुक कवर जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ब्लैंक फेसबुक कवर पर क्लिक करेंगे तो वो आप उसके अंदर खुद अपनी चीज़ें ऐड करके उसको भी एडिट कर सकते हैं। फिर ट्विटर हेडर है, ट्विटर हेडर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल आर्ट है, ठीक है, तो इनको भी आप एडिट कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर यूट्यूब थंबनेल्स हैं, ये भी काफ़ी औसम यूट्यूब थंबनेल्स यहाँ दिए गए हैं, आप इनको इस्तेमाल करके इनको भी थोड़ा एडिट वगैरह करके अपने जो भी आपका काम होगा उसकी जूम बैकग्राउंड एंड
जो बैकग्राउंड भी दिया गया है, बैकग्राउंड लगाने के लिए जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केटिंग मटेरियल हमारे पास भी दिया गया है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन हैं, तो वेट अ सेकेंड, जो जो प्रेजेंटेशन के पेजेस हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, ठीक है, ओके।